दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिलायबल इंजीनियर में। तो आज हम आपको बताएंगे क्यूसेरा M2040DN में नॉर्मल स्कैनर एंड ADS स्कैनर का यूज़ कैसे करें। तो आइए चलते हैं हमारी मशीन की तरफ। तो गाइस, आ चुका हूँ मैं अपनी मशीन की तरफ और अब देखते हैं इसका ADS स्कैनर कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, इस मशीन में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दो स्कैनर, एक नॉर्मल स्कैनर और सेकंड ADS स्कैनर। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ADS स्कैनर का यूज़ कैसे करें, वन साइडेड और टू साइडेड। सबसे पहले अपना ADS स्कैनर ओपन करूंगा और ये प्रिंट आउट इसमें लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर ADS का चिन्ह आ चुका है और अब हमारी ADS मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बाद हम अपनी मशीन का स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। तो गाइस, आ चुका है हमारा प्रिंट आउट सिंगल साइडेड और अब मैं आपको बताऊंगा डबल साइड कैसे निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले चले जाना है फंक्शन मेन्यू पर। आप देख सकते हैं ये बटन, फंक्शन मेन्यू करी हमने ओपन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप पेपर सिलेक्शन, कोलेट और डुप्लेक्स। डुप्लेक्स पे हमें ओके का क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे लास्ट नंबर पर, फोर पर, टू साइडेड एंड टू साइडेड। हम इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम अपना फिर से ADS ओपन करेंगे। तो गाइस, ये हमारा डबल साइडेड प्रिंट आउट है। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक शो हो गया है ADS स्कैनर का चिन्ह। तो हम इसके बाद अपना स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। हमारी स्कैनिंग हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, हमारा टू साइडेड प्रिंट आउट। तो गाइस, ये था हमारा ADS स्कैनर। तो अब मैं आपको बताऊंगा अपना नॉर्मल स्कैनर का यूज कैसे करें। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर जाएंगे क्योंकि हमने जो फंक्शन पहले ऐड किए थे उसको क्लियर करने के लिए। सबसे पहले प्रेस करेंगे फंक्शन मेन्यू का बटन, उसके बाद डुप्लेक्स, ओके, उसके बाद वन साइडेड प्लस वन साइडेड, हम इसको क्लिक करेंगे। हमारी मशीन नॉर्मल स्कैनर के लिए रेडी हो चुकी है। तो उसके बाद हम सबसे पहले अपना पैनल ओपन करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो प्रिंट आउट है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा A4 और इस साइड, इससे हमें बीच में रखना है। प्रिंट आउट को ज़्यादा राइट या लेफ्ट कर देते हैं तो आपका प्रिंट आउट हाफ कट भी सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है A4 और इधर एरो, इसके बीच में हमें अपना प्रिंट आउट रखना है। उसके बाद हम अपने स्कैनर को क्लोज करेंगे और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपना स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिखवा रहा है स्कैनिंग, हमारी जो नॉर्मल स्कैन में हमने प्रिंट आउट लगाया उसकी स्कैनिंग हो रही है। और ये देखिए गाइस, हमारा प्रिंट आउट आ चुका है नॉर्मल स्कैनर से। तो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल स्कैनर से डबल साइडेड प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं। तो हम अपनी मशीन पर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन मेन्यू, इसका बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है वन साइडेड प्लस टू साइडेड। इसको हम जैसे ही ओके करेंगे, हमारा नॉर्मल स्कैनर प्रिंट आउट के लिए रेडी है। तो अब हम यहाँ से अपना स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है और जैसे स्क्रीन पर ये शो होगा सेट ओरिजिनल एंड प्रेस स्टार्ट के, तो आपको एंड स्कैन नहीं करना है। आप अपने पैनल को ओपन करोगे और जो हमारा प्रिंट आउट है उसको पलट कर रख दोगे। उसके बाद अपना पैनल क्लोज करोगे और यहाँ से स्टार्ट प्रेस करोगे। ये देख सकते हैं गाइस, स्कैनिंग का ऑप्शन आ चुका है, हमारी प्रिंट आउट की स्कैनिंग अभी हो रही है। और लास्ट में जब ये ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे करना है एंड स्कैन, क्योंकि हमारे जो डबल प्रिंट आउट था हमने दोनों का स्कैन कर लिया है। उसके बाद हम ये एंड स्कैन वाला बटन प्रेस करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, रेडी टू कॉपी आउट। देखिए गाइस, हमारा नॉर्मल स्कैनर से डबल साइडेड प्रिंट आउट निकल चुका है। तो
दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।